subscribe our channel VTV Odia and don't forget to press bell icon. साथियों, स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देशवासी को गर्व से भर देने वाली है। इसमें मिशन भी है, मान भी है, मर्यादा भी है, एक देश की महत्वाकांक्षा भी है और मातृभूमि के लिए अप्रतिम प्रेम भी है। देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया है वो हमें आश्वस्त करता है कि हर भारतवासी अपने कर्तव्यों के लिए कितना संवेदनशील है, कितना सतर्क है। हम सफलता में और इस सफलता में भारत के हर नागरिक का योगदान है, सबका परिश्रम, सबका पसीना है और हमारे स्वच्छता कर्मी, हमारे सफाई मित्र हर रोज झाड़ू उठाकर सड़कों को साफ करने वाले हमारे भाई बहन कूड़े की बदबू को बर्दाश्त करते हुए कचरा साफ करने वाले हमारे साथी सच्चे अर्थ में इस अभियान के महानायक है। कोरोना के कठिन समय में उनके योगदान को देश ने करीब से देखा है, अनुभव किया है। मैं देश की इन उपलब्धियों पर हर भारतवासी को बधाई के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और इससे सुखद ये क्या होगा कि ये नई शुरुआत आज गांधी जयंती के एक दिन पहले ही हो रही है। ये अभियान पूज्य बापू की प्रेरणा का ही परिणाम है और बापू के आदर्शों से ही सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। आप कल्पना करिए, स्वच्छता के साथ साथ इससे हमारी माताओं बहनों के लिए कितनी सुविधा बढ़ी है। पहले ही कितनी ही महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी, काम पर नहीं जा पाती थी क्योंकि बाहर टॉयलेट की सुविधा ही नहीं होती थी। कितनी ही बेटियों को स्कूल में शौचालय न होने की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। अब इन सब में बदलाव आ रहा है। आजादी के 75वें वर्ष में देश की इन सफलताओं को, आज के नए संकल्पों को पूज्य बापू के चरणों में अर्पित करता हूं और नमन करता हूं।